नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। दिल्ली में चिराग की मुलाकात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हुई है और ऐसा लगता है कि चिराग और तेजस्वी की दोस्ती अब तकरीबन तय हो गई है। चिराग की एलजेपी और लालू तेजस्वी की आरजेडी का राजनीतिक याराना लगभग तय है। दोनों दलों का गठजोड़ लगभग तय है। यह तस्वीर देखिए और यह भी सुनिए कि लालू यादव क्या कह रहे हैं। आप समझ जाएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि लालू और तेजस्वी की दोस्ती तकरीबन तय हो गई है। लालू यादव कुछ कहते हैं तो उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच की मुलाकात की खबर या मुलाकात की तस्वीर पटना में दिखी और उसके बाद दिल्ली में लालू चिराग की मुलाकात की तस्वीर दिख रही है, आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की तस्वीर यही होगी क्या? यह भी बड़ा सवाल है। सुनिए लालू यादव क्या कह रहे हैं। राम से, राम से, राम से। चिराग पासवान जी निमंत्रण देने आए हैं, पिताजी का बर्थडे है पटना में। हम लोग अभिन्न साथी थे रामविलास पासवान जी, और इसलिए चिराग आए हैं निमंत्रण देने के लिए। पटना तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन तेजस्वी वगैरह सब जमात लोग रहेंगे लोग, और हम लोग इसी तरह से हर तरह से इस फैमिली को, चिराग को, हम लोग जो भी सपोर्ट लोग चाहेगा हम लोग करते रहेंगे इसके लिए। आप चाहते हैं सर कि तेजस्वी और चिराग एक साथ आएं? और ये सब बात है, वो सब हो गया है। चिराग से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आशीर्वाद दिए आप, आशीर्वाद दिए पूरा सब आशीर्वाद है, अच्छा है ना घूमना। लालू जी, एक सवाल ये है कि जब चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान एक समय में राजनीतिक संकट से जूझ रहे थे, उस वक्त आपने मदद की थी, आज चिराग पासवान भी राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं, क्या चिराग पासवान को आप अपने साथ लाएंगे, लाना चाहते हैं? हम चाहते हैं, रहेंगे लोग जहाँ भी रहें साथ रहेंगे हम लोग जी। जिस परिस्थिति में भी उनके माता जी से भी बात हुई, राबड़ी देवी जी से भी बात हुई, सब लोग से सब हम लोग एक साथ थे ना जी। हम लोग समझौता करके एक साथ लड़े थे कई एक बार। आप पासवान परिवार में कुछ सुलह कराने के लिए आगे भी हो गए, पार्टी में दीजिएगा आप अपना। अब ये सब देखेंगे हम लोग आजकल जमाना गजब का जमाना है,